So, greetings to all of you once again, and now we are going to discuss most important days of June 2021. अब important days, ये जो topic है ये बहुत ज़्यादा important है आपके competitive entrances के point of view से. अगर आप banking entrance के लिए prepare कर रहे हो like IBPS PO, IBPS clerical, तो इनकी जो mains exam होती है वहाँ ये क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है. लाइकवाइज SBI PO और SBI clerical में भी, साथ ही साथ जो आपकी RBI की एंट्रेंस होती है, वेरियस इंश्योरेंस एंट्रेंस है, उसी के साथ साथ IBPS RRB की जो एग्ज़ाम्स है, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन टाइप इम्पॉर्टेंट है. उसी के साथ जो स्टूडेंट्स MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली IFT, ZAT, TIS और CMAT इन एंट्रेंस के लिए, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन टाइप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन टाइप कट ऑफ क्लियर करने में भी हेल्प करेगा और स्कोर बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा. सो आइदर यू नो इट और डोंट नो इट, सिंपल रूल है इसका. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग डेज है हम पूरे डिस्कस करेंगे जून 2021 के, तो आप सारे डेज नोट करके रखो. ओके, वीडियो एक बार देखो और एक ही बार सारे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आप पूरे नोट कर लो. सो एक श्योरिटी हो जाएगी और आपको रिविजन करने में भी बहुत ईजी होगा फ्यूचर में. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. ओके, तो जो सबसे पहला दिन है हमारा इम्पॉर्टेंट डेज के कैटेगरी में उसे देख लेते हैं. सो और फर्स्ट डे इज़ ग्लोबल पेरेंट्स डे और पेरेंट्स डे. अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ग्लोबल पेरेंट्स डे और पेरेंट्स डे सिंपली ये सेलिब्रेट किया जाता है June 1st को. ओके, सो 1st June आपको ध्यान में रखना है. ग्लोबल पेरेंट्स डे और पेरेंट्स डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. सो 1st June नोट करके रखो. उसके बाद में नेक्स्ट डे देख लो, वर्ल्ड मिल्क डे. अब ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है. ओके, तो हमें पता रहना चाहिए. वर्ल्ड मिल्क डे एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है 1st June को, तो आपको नोट करके रखना है. 1st June को दो इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट होते हैं, एक वर्ल्ड मिल्क डे और दूसरा जस्ट हमने देखा ग्लोबल पेरेंट्स डे और सिंपली पेरेंट्स डे. तो आप इसे नोट करके रखो. ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे इज तेलंगाना डे. ओके, और तेलंगाना डे जो है ये मनाया जाता है 2nd June को. सो दिस इज़ बेसिकली तेलंगानास फाउंडेशन डे. ओके, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2014 में. ओके, सो 2014 से हर 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना डे, तो आपको पता रहना चाहिए. ओके, जैसे महाराष्ट्र डे 1 May को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी तरह से तेलंगाना डे जो है तो ये 2nd June को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए. बिकॉज महाराष्ट्र डे जो है 1 May को जो सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो नोट करके रखो उसे भी. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे. अब वर्ल्ड बाइसिकल डे ये जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सेलिब्रेट किया गया 3rd June को. ओके, सो वर्ल्ड बाइसिकल डे बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको पता रहना चाहिए कि इसे सेलिब्रेट किया गया है 3 June के दिन. तो 3rd June को नोट करके रखो, वर्ल्ड बाइसिकल डे. बिकॉज बाइसिकल यूज़ करने के भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है. ओके, ग्लोबल लेवल पर आप देखो तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइसिकल यूज़ करते हो सिंपली, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा. ओके, फ्यूल का खर्चा कम होगा. उसी के साथ साथ अगर आप बाइसिकल का यूज़ करते हो इन जनरल, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस इम्प्रूव करने में भी हेल्प होगी. सो वर्ल्ड बाइसिकल डे इम्पॉर्टेंट है और ये मनाया गया है 3rd June को, तो आपको पता रहना चाहिए. उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट, जून में जितने भी डेज है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमेशा किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन दिखने ही वाला है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. तो आपको पता रहना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है 5th June के दिन. ओके, हर साल 5th June को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है बात. अब जो दो पॉइंट्स मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ इसे स्पेशली आप नोट करके रखो. एक हम देखेंगे थीम क्या है. ओके, और ग्लोबल होस्ट कौन था इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए. तो एडिशनली आपको दो पॉइंट्स पता रहना चाहिए. तो सबसे पहले थीम देख लेते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की. ओके, सो जो थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इस साल की 2021 की, तो थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. ओके, सो नोट करके रखो, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. सो ईजी है, स्पेशली इसे नोट करके रखो. थीम इज़ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. और ग्लोबल होस्ट की अगर हम बात करें, ग्लोबल होस्ट फॉर WED 21 मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, तो वो था पाकिस्तान. ओके, सो पाकिस्तान को नोट करके रखो. पाकिस्तान होस्ट था ग्लोबल होस्ट इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का. ओके, तो आपको पता रहना चाहिए तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 June को. उसके बाद में थीम हमने देखी
इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और ग्लोबल होस्ट कौन था इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? तो उसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो आपको पता रहना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए कि थीम क्या है और ग्लोबल होस्ट कौन है। ओके, सो आई होप क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट डे के कैटेगरी में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता रहना चाहिए बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ओके, फिशिंग जो होती है, इलीगल फिशिंग जो होती है, जैसे यहाँ मेंशन किया है इलीगल अनरिपोर्टेड, जो रिपोर्ट नहीं की जाती, एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अनरेगुलेटेड मतलब जिसे कंट्रोल नहीं किया जाता। ओके, तो आपको पता रहना चाहिए। सो ये डे भी मनाया गया 5 जून को। सो आपको पता रहना चाहिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया गया 5 जून को, और ये जो डे है ये भी मनाया गया है 5 जून को। तो ये है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ओके, सो जो इलीगल फिशिंग है, अनरिपोर्टेड फिशिंग है और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, मतलब जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए 5 जून को ये डे सेलिब्रेट किया गया है। तो इसे भी नोट करके रखो, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी डेज होते हैं उस वर्ल्ड के स्टार्टिंग में, अगर इंटरनेशनल और वर्ल्ड, ये वर्ल्ड अगर हमें दिखते हैं तो उनका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें पता रहना चाहिए। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे, वो है वर्ल्ड पेस डे। ओके, वर्ल्ड पेस डे जो है ये मनाया गया है 6 जून को। सो ईजी है, वर्ल्ड पेस डे ये मनाया गया है 6 जून को। उसी के साथ साथ 6 जून को एक इम्पॉर्टेंट डे और मनाया गया है, वो है UN रशियन लैंग्वेज डे, मतलब यूनाइटेड नेशंस रशियन लैंग्वेज डे। ओके, सो यूनाइटेड नेशन इस दिन रशियन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, और ये डे भी मनाया गया है 6 जून को। तो नोट करके रखो, वर्ल्ड पेस डे और यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, तो ये दोनों डेज भी मनाए गए हैं 6 जून को। ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। सो थ्रू आउट द मंथ जितने भी डेज हैं हम आगे पूरे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ जितने भी डेज है। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे डेज जो जहाँ हमने देखे। ओके, सबसे पहले हमने देखा ग्लोबल पेरेंट्स डे और सिंपली पेरेंट्स डे, तो ये सेलिब्रेट किया गया 1 जून को। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके रखो। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एंट्रेंस में पूछा गया है, सो ये भी सेलिब्रेट किया गया 1 जून को। ओके, सो इसे नोट करके रखो। फिर हमने देखा तेलंगाना डे और तेलंगाना फाउंडेशन डे भी कह सकते हैं इसे, तो ये सेलिब्रेट किया गया 2 जून को। ओके, उसके बाद में वर्ल्ड बाइसिकल डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेलिब्रेट किया गया 3 जून को। ओके, उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये सेलिब्रेट किया गया है 5 जून को, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है। उसी के साथ हमने देखा इसकी थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और ग्लोबल होस्ट कौन था फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, तो उसका सही आंसर है पाकिस्तान। ओके, सो 5 जून के ये दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमें पता रहना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस दिन सेलिब्रेट किया गया, थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और ग्लोबल होस्ट है पाकिस्तान। उसी के साथ हमने देखा 5 जून को एक जो और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, ओके, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, तो ये भी मनाया गया है 5 जून को। उसके बाद में हमने दो इम्पॉर्टेंट डेज और देखे, वर्ल्ड पेस डे और उसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, तो ये दोनों डेज भी मनाए गए हैं हमारे 6 जून को। ओके, सो स्पेशली नोट करके रखो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारे अपकमिंग इम्पॉर्टेंट डेज। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये सेलिब्रेट किया गया 7 जून को। ओके, सो आपको पता रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने जस्ट आपको बताया था कि जिस भी इम्पॉर्टेंट डे के पहले वर्ल्ड या इंटरनेशनल ऐसे एडजेक्टिव्स रहते हैं तो इनका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमें पता रहना चाहिए, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को। ओके, उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है
वर्ल्ड ओशन डे, और वर्ल्ड ओशन डे ये जो है ये मनाया जाता है 8 जून को। ओके, सो वर्ल्ड ओशन डे, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है अपने आप में, तो आपको पता रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में देखते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ओके, सो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए आपको। ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। सो ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़ी डिसीज़ है। ओके, आप सबको पता ही है, सुना होगा आपने नाम इसका। तो इससे रिलेटेड अवेयरनेस जो होती है वो क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है आपका 8 जून को। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है हमारा वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। ओके, सो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को। ओके, सो नोट करके रखो इसे भी, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है और हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 9 जून को। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डे है हमारा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को। और आपको थीम भी पता रहना चाहिए इस डे की, तो वो भी देख लेते हैं। थीम है एक्ट नाउ एंड एंड चाइल्ड लेबर। ओके, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, सो काफ़ी अच्छी थीम है कि अभी एक्ट करो और चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है इसे एलिमिनेट करो हमेशा के लिए। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को। अब चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है हम सब देखते ही रहते हैं, स्पेशली इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है चाइल्ड लेबर को लेके, बट हम देखते हैं कि बहुत से जगह पर चाइल्ड लेबर काम करते ही है। ओके, तो ये बहुत गलत बात है। पढ़ने लिखने की उम्र में उन्हें एजुकेट करने पर फोकस होना चाहिए उसके फैमिलीज़ का। अब हम जैसे घर पे भी देखते हैं, बहुत सी मेड्स होती है घर पे काम करने वाली, तो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं स्पेशली वो भी काम करते हैं उनके साथ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे। और अगर हम लोग उन्हें सजेस्ट भी करते हैं कि ये इनकी एजुकेशन की उम्र है तो आप इन्हें पढ़ाओ लिखाओ ना कि इनसे काम करवाओ, तो उनका रिप्लाई होता है कि फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे वो लोग सर्वाइव करने के लिए। तो उनकी बात भी बराबर है, तो हमारे गवर्नमेंट ने भी इस बात को कंसिडर करते हुए कुछ अप्रोप्रिएट प्रोविज़न क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। ओके, उसी के साथ साथ जो ये प्रॉब्लम है इसे एलिमिनेट करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। तो एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये इम्पॉर्टेंट थीम नोट करके रखो। ओके, सो आगे बढ़ते देखते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, तो ये सेलिब्रेट किया गया 14 जून को। तो 14 जून को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो आपको पता रहना चाहिए 14 जून काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ब्लड डोनेट करना ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके, और हर किसी ने हर साल एटलीस्ट एक बार ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। अब अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊँ फेमस पर्सनैलिटी का, फुटबॉल के प्लेयर से आप अवेयर हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो हम सब ने सुना ही हुआ है। ओके, सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन ऑफ द ऐसे फुटबॉलर हैं कि जिनके बॉडी पे एक भी टैटू नहीं है, और उसका रीज़न यही है कि अगर आप अपने बॉडी पे टैटू बनवा लेते हो तो फिर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और रोनाल्डो इतने मशहूर फेमस फुटबॉलर है बट फिर भी उनके बॉडी पे एक भी टैटू नहीं है, बिकॉज वो हर साल ब्लड डोनेट करते हैं। ओके, और जब ज़रूरत पड़ती है तब भी, जब वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे तब प्रैक्टिस सेशन जब चलता था उनका, तो प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए मैड्रिड में कोई फैंस आ रहे थे, उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो रोनाल्डो को पता चला कि ऐसी बात है, तो रोनाल्डो प्रैक्टिस छोड़ के हॉस्पिटल गए और उन्होंने वक्त पर अपना ब्लड भी डोनेट किया था। तो ये काफ़ी अच्छे एग्जांपल है। ओके, तो ब्लड डोनेट करना है बहुत अच्छी हैबिट है, सो नोट करके रखो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो सेलिब्रेट किया गया है 14 जून को। आगे बढ़ते वर्ल्ड वाइन डे। ओके, सो जो वाइन होती है तो इससे रिलेटेड है वर्ल्ड वाइन डे, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को। ओके, सो आपको पता रहना चाहिए वर्ल्ड वाइन डे इम्पॉर्टेंट है और 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा यहाँ। ओके, सो जो वाइन होती है इसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन एक्चुअली स्नैप के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जब स्नैप में जनरल नॉलेज का सेक्शन होता था, तो अराउंड 2011-12 में पूछा गया था। बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वाइंड। ओके, सो वाइंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका नाम है
एनीमोमीटर तो यहाँ मैंने मेंशन किया है, ओके। सो एनीमोमीटर आपको पता रहना चाहिए कि इससे वाइंड को मेजर करते हैं, और 15 जून को मनाया गया है वर्ल्ड वाइन डे, सो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एल्डर पर्सन है तो उनके साथ जो भी मिसबिहेव अब्यूज होता है तो उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये भी सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को, तो आपको पता रहना चाहिए, इसे भी नोट करके रखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 15 जून को एक जो और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं वो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ओके, तो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में देख लेते हैं वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अब डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट ये जो प्रॉब्लम है, ओके, डेजर्टिफिकेशन बाढ़ आ जाना, जो ड्रॉट होता है, तो इन्हें कैसे कंट्रोल करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, ओके, सो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे मनाया जाता है, ओके, जो कि है वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एक्चुअली 17 जून को, ओके, सो 17 जून को ये डे मनाया जाता है, तो हमें पता रहना चाहिए कि डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट इनकी जो भी प्रॉब्लम है तो उससे कैसे टैकल किया जाए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है, 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ओके, सो नोट करके रखो इसे। आई होप जितने डेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपके समझ में आ गए हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे, बट उसके पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्विकली सारे वर्ड्स एक बार जो है हमारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर दूंगा, ओके। सो रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले हमने देखा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि सेलिब्रेट किया 7 जून को, ओके, सो 7 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो आप इसे नोट करके रखो, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड ओशन डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सेलिब्रेट किया गया 8 जून को, ओके। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, सो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी सेलिब्रेट किया गया आपका 8 जून को, ओके, सो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया है 9 जून को, सो इम्पॉर्टेंट डे है, इसे भी नोट करके रखो। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सेलिब्रेट किया गया आपका 12 जून को, सो हमें पता रहना चाहिए। और जो थीम है तो ये भी हमें पता रहना चाहिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इसकी जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ओके, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, सो इजी थीम है, आपके ध्यान में रहेगी, अभी एक्ट करो और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करो, ओके, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थीम भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया 14 जून को, ओके, सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेलिब्रेट किया गया है 14 जून को। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड वाइन डे, ओके, सो वर्ल्ड वाइन डे जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये सेलिब्रेट किया गया 15 जून को, ओके, सो 15 जून नोट करके रखो कि इस दिन वर्ल्ड वाइन डे सेलिब्रेट किया गया है। और एक एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया जीके से रिलेटेड कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वाइंड, ओके, सो वो इंस्ट्रूमेंट होता है एनीमोमीटर, तो इसे भी नोट करके रखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी कभी। उसके बाद में देखो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, सो ये सेलिब्रेट किया गया 15 जून को। और फाइनली हमने देखा 17 जून को भी एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ओके, सो डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये प्रॉब्लम जो है, सो इनसे कैसे टैकल करना है, इनसे रिलेटेड अवेयरनेस, तो इसका नॉलेज स्प्रेड करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी नोट करके रखो। सो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जून 2021। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने जस्ट एक इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस किया था, जहाँ मैंने आपको बताया था वर्ल्ड डे टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, वो एक्चुअली है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ओके, कॉम्बैट का मतलब है फाइट करना उस चीज़ से, ओके, तो जस्ट मैंने फिर से मेंशन किया है यहाँ पर आपके लिए, और जस्ट हमने डिस्कस किया है कि वो सेलिब्रेट किया गया है 17 जून को, ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं।
नेक्स्ट डे हमारा इंटरनेशनल पिकनिक डे। ओके, सो इंटरनेशनल पिकनिक डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 जून को। ओके, प्रोबेबिलिटी कम है एग्जाम में आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल पिकनिक डे, बट स्टिल हमें पता रहना चाहिए। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 जून को। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑटिस्टिक प्राइड डे भी सेलिब्रेट किया गया है 18 जून के दिन। ओके, सो ऑटिज़म के अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जस्ट लाइक ऑटिज़म अवेयरनेस डे, तो हर साल मनाते हैं इसे, तो इम्पॉर्टेंट है ऑटिस्टिक प्राइड डे। सो इसे नोट करके रखो, 18 जून को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेशनल रीडिंग डे। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, CBSE सेलिब्रेट करता है नेशनल रीडिंग डे हर साल, और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ केरला। ओके, और उनका नाम है द लेट PN पनीकर। ओके, सो इनका नाम आपको नोट करके रखना है, द लेट PN पनीकर। ओके, सो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला भी कहा जाता है, तो उनकी याद में डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल रीडिंग डे। ओके, और CBSE इसे सेलिब्रेट करता है। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हमें पता रहना चाहिए। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून को। सो 19 जून को जो दोनों डेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पता रहना चाहिए। एक हमने देखा नेशनल रीडिंग डे, और नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ओके, सो नोट करके रखो इन्हें। उसके बाद में है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। सो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। ओके, 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो हमें पता रहना चाहिए। ओके, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी नोट करके रखो। उसके बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, 21 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है। ओके, सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ओके, या इसे सिंपली योगा डे भी कह सकते हैं, तो ये सेलिब्रेट होता है 21 जून को हर साल। ओके, सो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है योगा को। ओके, जो बहुत अच्छी बात है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। ओके, सो इस बार की जो थीम थी इंटरनेशनल योगा डे की, वो थी योगा फॉर वेलबींग। ओके, सो योगा फॉर वेलबींग काफ़ी इजी थीम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। प्रोबेबिलिटी भी कम है कि थीम पूछी जाए इसकी, बट आपको पता रहना चाहिए कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली प्रीवियस IBPS एंट्रेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, तो आपको पता रहना चाहिए कि 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो आप वैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था ये 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है। ओके, सो इजी है वैसे भी याद रखने में। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है आपका 23 जून को। ओके, सो 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम सब जानते हैं अपकमिंग ओलंपिक हमारा टोक्यो में होने जा रहा है, हालांकि अभी काफ़ी कैंपेन्स चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि प्लेयर्स के वेलबींग के लिए, सेफ्टी के लिए, बिकॉज करंट सर्कमस्टांसेस स्टिल चल रहे हैं कोविड के, तो ओलंपिक इवेंट जो है टोक्यो का, उसे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। वैसे भी हम देख रहे हैं क्रिकेट में भी जो वेरियस इवेंट्स हैं पोस्टपोन हो रहे हैं। ओके, सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे इम्पॉर्टेंट है, 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार के ओलंपिक्स हो रहे हैं टोक्यो जापान में। ओके, आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, और ये भी सेलिब्रेट होता है हमारा 23 जून को। सो आपको पता रहना चाहिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग डेज है जो यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है, ये भी पूछे जाते हैं। ओके, सो ये है हमारे इम्पॉर्टेंट डेज जो हमने जस्ट डिस्कस किए हैं। क्विकली रिवाइज करेंगे सारे डेज आपके लिए फिर से एक बार, उसके पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। ओके, सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये सेलिब्रेट किया गया 17 जून को। ओके, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना। ओके, सो इजी है, ध्यान में रहेगा आपके।
उसके बाद में हमने देखा इंटरनेशनल पिकनिक डे, ये सेलिब्रेट किया गया 18 जून को। उसके बाद में हमने देखा ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये सेलिब्रेट किया गया 18 जून को, इम्पॉर्टेंट है इसे नोट करके रखो। उसके बाद में हमने देखा नेशनल रीडिंग डे, जो सेलिब्रेट होता है आपका 19 जून के दिन, और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, ओके, जिनका नाम है द लेट पीएन पनीकर, ओके, सो इनका नाम भी नोट करके रखो, आपको पता रहना चाहिए, और सीबीएसई ने सेलिब्रेट किया है ये डे, ये भी पता रहना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ये सेलिब्रेट किया गया 19 जून को मनाया गया वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये सेलिब्रेट किया गया 20 जून को, ओके, सो नोट करके रखो, इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये इजी है, ये सेलिब्रेट किया गया 21 जून को, और इस बार की थीम थी योगा फॉर वेल बींग, ओके, सो इजी है, इसे भी नोट करके रखो। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया गया 21 जून को, सो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो कि है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया 23 जून को, तो आपको पता रहना चाहिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया, और अपकमिंग जो ओलंपिक्स है वो होने जा रहे हैं टोक्यो जापान में, ओके। उसके बाद में हमने फाइनली देखा यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, सो ये भी सेलिब्रेट किया गया 23 जून को, ओके। सो आई होप जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपने सब नोट कर लिए होंगे, वैसे भी इजी है, ओके, वीडियो देखते देखते ही आप वैसे भी प्रिपेयर कर लोगे इसे इजीली, बिकॉज हम एक बार डिस्कस करने के बाद फिर उसे रिकैप भी कर लेते हैं, तो उससे रिविजन भी हो जाती है, ओके, और फ्यूचर में भी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो बहुत जल्दी आपकी रिविजन हो जाएगी इससे, बिकॉज आपने पहले से देखा हुआ है वीडियो। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज बचे हुए हमारे लास्ट वीक के, स्पेशली जून 2021 के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन और डिस्कस कर लेते हैं हमारे रिमेनिंग इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज। सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज, और हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे स्पेशली नोट करो, डे ऑफ सी फेरर, ओके, सो डे ऑफ सी फेरर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो शिप के थ्रू जो ट्रैवलिंग चलते रहती है, ओके, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो जो भी रिलेटेड है इस टास्क से तो उन्हें ऑनर किया जाता है इस दिन, ओके, सो डे ऑफ सी फेरर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 जून को, ओके, सो 25 जून को स्पेशली नोट करके रखो। अब ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, जिसे हम IMO कहते हैं, और IMO का लॉन्ग फॉर्म क्या है वो भी देख लो, वो है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो हर साल इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मेरीटाइम मतलब ये सी से रिलेटेड है, ओके, सो आप इसे ऐसा ध्यान में रख सकते हो। सो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर साल सेलिब्रेट करती है डे ऑफ सी फेरर को 25 जून को, ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। अब जो हेडक्वार्टर है IMO का, मतलब इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज स्टैटिक GK में क्वेश्चन टाइप है जो हमें पता रहना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। स्पेशली जो IFT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, ओके, सो आप अगर वो वीडियो देखना चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। सो सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ हमने डिस्कस किए हैं, और उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो IMO का जो हेडक्वार्टर है वो हमें पता रहना चाहिए, वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ओके, सो UK में लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसे नोट करके रखो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, सो IMO के साथ साथ Amnesty International, इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में ही है, सो आपको पता रहना चाहिए, ओके, सो हमने सारे वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप वीडियो देख लोगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और अगर फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर रहे हो तो थोरोली आप प्रिपेयर भी कर लोगे, ओके, सो वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ल्ड वाइटिलिगो डे, ओके, सो इसे विटिलिगो या वाइटिलिगो आप प्रोनाउंस कर सकते हो,
सो वर्ल्ड वाइटिलिगो डे ये जो है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 25 जून को। तो नोट करके रखो 25 जून को जो एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो है वर्ल्ड वाइटिलिगो डे। ओके, सो इसे नोट करके रखो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो डे है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्राफिकिंग। सो अब ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्राफिकिंग ये जो टॉपिक है ये वर्ल्ड वाइड एक चिंता का विषय, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओके, सो इंटरनेशनल डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इनकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 26 जून को। ओके, सो 26 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्राफिकिंग। ओके, सो नोट करके रखो ये इम्पॉर्टेंट है, 26 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस IBPS RRB में भी पूछा गया है, सो स्पेशली इसे नोट करके रखो। इसे आप MSME डे बोल के भी ध्यान में रख सकते हो। ओके, बहुत ईजी रहेगा। तो MSME का फुल फॉर्म सबों को पता ही है, फिर भी देख लेते एक बार, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंटरप्राइज जो है जो हमें पता रहना चाहिए। सो MSME डे जो रहता है, ओके, सो ये सेलिब्रेट होता है 27 जून को। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर से एक बार देख लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइज डे है तो ये सेलिब्रेट होता है हमारा 27 जून को। ओके, सो MSME मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए। सो MSME मिनिस्टर है इंडिया के श्री नितिन गडकरी जी, तो इनका नाम स्पेशली नोट करके रखो, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी इनका नाम ट्रेंडिंग रहता है, बहुत अच्छे काम करते हैं ये। ओके, सो MSME सेक्टर में भी इन्होंने रिवोल्यूशन लाने का काम किया है देश के लिए, तो नितिन गडकरी जी का नाम आप स्पेशली नोट करके रखो। सो MSME सेक्टर जो है, ओके, सो इसकी जो थीम है वो भी देख लो एक बार, बिकॉज थीम भी पूछ सकते हैं आपसे। सो थीम जो थी इस साल के MSME डे की वो थी MSME 2021। ओके, सो MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। सो नोट करो फिर से एक बार, MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। सो नोट करके रखो, MSME डे की ये थीम थी। सो MSME डे मनाया गया हमारा 27 जून को, MSME मिनिस्टर है इंडिया के श्री नितिन गडकरी। ओके, सो इतने पॉइंट इनफ है इससे रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये ज़रूर देखने को मिलेगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पक्का आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा डे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, SBI PO में, SBI क्लर्क में। ओके, 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इवन IFT में भी पूछा है, CMAT में भी पूछा है, तो आपको पता रहना चाहिए। सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है तो ये सेलिब्रेट किया गया है, वो डेट आपको पता रहना चाहिए, 29 जून। ओके, सो ये किन के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है ये भी हमें पता रहना चाहिए। ओके, सो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालानोबिस। ओके, सो PC महालानोबिस, इनका नाम आपको स्पेशली नोट करके रखना है, और इनके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। ओके, सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, वो कैप कैसल जो हमारा ऑफिशियल पेज है वहाँ मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो, examcastle333@gmail.com। अब किसी ने वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपके GK के वीडियोस हैं तो वो हेल्प करेंगे KBC के लिए, कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने वाला है, काफ़ी क्रेज़ होता है इंडिया में उसका, तो मैं बता दूं KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, और यस वहाँ भी करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, तो वीडियोस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे अगर आप KBC के लिए भी एम कर रहे हो तो। ओके, सो जितने इम्पॉर्टेंट डेज है हमने नोट कर लिए हैं, एक बार क्विकली रिवाइज़ कर लेंगे, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ। ओके, सो अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डे ऑफ सी फेरर। ओके, सो डे ऑफ सी फेरर सेलिब्रेट किया गया
25 जून को, ओके। और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल बाय IMO। IMO क्या है? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो हेडक्वार्टर हमें पता रहना चाहिए बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज स्टैटिक जीके इज कंसर्न। तो आप देख सकते हो डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बता दिया है, ओके। उसके बाद में वर्ल्ड वाइटिलिगो डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये सेलिब्रेट किया गया 25 जून को, ओके। तो आपको पता रहना चाहिए वर्ल्ड वाइटिलिगो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जून। उसके बाद में हमने देखा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो ये जो डे है ये मनाया गया 26 जून को, ओके। सो 26 जून पता करके रखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने देखा MSME डे, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज डे, ओके। सो MSME डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेलिब्रेट किया गया 27 जून को, ओके। सो आपको पता रहना चाहिए। और MSME मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनका नाम है श्री नितिन गडकरी जी, ओके। उसके बाद में थीम देख लो, थीम है MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, सो थीम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड नो दिस वन। उसके बाद में हमने देखा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पर PC महालानोबिस इनके, ओके। सो आपको पता रहना चाहिए PC महालानोबिस इनका नाम, और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को, ओके। अब MSME मिनिस्ट्री की बात हुई है यहाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि श्री नितिन गडकरी जी मिनिस्टर है। अब रिसेंटली रीशफल होने वाली है मोदी जी की जो कैबिनेट है, ओके। काफ़ी नए नाम हमें देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे, इनका नाम यानी सुर्खियों में है कि इन्हें भी मिनिस्ट्री में पोजीशन मिलेगी। तो जो भी अपडेट्स रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बिकॉज स्पेशली जो IBPS के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मेंस में जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का जो आपका सेक्शन है वहाँ पूछ सकते हैं। इवन IFT में भी एक फॉर्मेट होता है मैच द पेयर में, तो हो सकता है आपको 3-4 मिनिस्टर के नाम दिए हो और आपको मैच करना है कि वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ओके। सो IFT में वैसे इजी हो जाता है बिकॉज ऑप्शन इलिमिनेट करके आप आंसर को करेक्टली मार्क कर सकते हो, बट जितनी IBPS की एग्ज़ाम है, SBI की एग्ज़ाम है, तो वहाँ मैच द पेयर टाइप फॉर्मेट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसके लिए आपको 100% पता रहना चाहिए कि मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मोदी जी की जो रीशफल होने वाली है कैबिनेट, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो, ओके। सो हमने इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लिए है, अब कुछ 4-5 डेज और बचे हुए हैं। वैसे यहाँ तक ही इनफ है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 4-5 डेज जो बचे उसका डिस्कशन भी देख लो, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वी नेवर नो, ओके। बट जितने हाई प्रोबेबिलिटी वाले डेज थे वो हमने डिस्कस कर लिए, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन और देख लेते हैं कुछ रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। सो अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, ओके। तो जो हमारा नेक्स्ट डे है वो है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, तो इम्पॉर्टेंट है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, आपको पता रहना चाहिए। ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 जून को, सो 28 जून नोट करके रखो, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाए आपसे, सो नोट करो इसे इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को, सो 29 जून यहाँ पर मेंशन किया है आपके लिए, तो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को, ओके। सो 30 जून नोट करके रखो, इस दिन हम वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, सो आपको पता रहना चाहिए। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को, सो 30 जून को दो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे जस्ट हमने देखा, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, सो ये भी 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, सो नोट करके रखो इन्हें स्पेशली। उसके बाद में जो हमारे रिमेनिंग डेज है उसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज, उसमें फर्स्ट है
इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 जून को। 13th जून आपको पता रहना चाहिए। सो 13th जून 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अब यहाँ आपको पता रहना चाहिए अल्बिनिज्म क्या है। अल्बिनिज्म एक्चुअली होता है कलरलेसनेस। ओके, सो आपको पता रहना चाहिए कलरलेसनेस इज अल्बिनिज्म। तो इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 जून को, मतलब 13th जून को। सो नोट करके रखो, इसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ओके, सो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 15 जून के दिन, 15th जून को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो अब रेमिटेंस का जो मीनिंग होता है सिंपल लैंग्वेज में वो होता है डिस्पैच। जनरली ये सम ऑफ मनी जो ट्रांजेक्शन होता है, सो इसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है वर्ड। ओके, सो आपको पता रहना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है सिंपली ये सेलिब्रेट किया जाता है 15th जून को, और रेमिटेंस जो है ये जस्ट डिस्पैच ट्रांसफ़र, इससे रिलेटेड वर्ड होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये जो सेलिब्रेट किया गया है, ये सेलिब्रेट किया गया आपका 21st जून को, 21 जून को आपका सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अब वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी में हाइड्रोग्राफी का मीनिंग क्या है, तो इसे आप सिंपली ध्यान में रख सकते हो जल सर्वेक्षण जो होता है। ओके, सो जल सर्वेक्षण जो होता है सी लेक्स रिवर्स इनका, तो उसे सिंपली कहते हैं हम हाइड्रोग्राफी। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके 100 साल हुए हैं इस मंथ में, तो आपको पता रहना चाहिए 21st जून को सेलिब्रेट करते हैं इसे। ओके, सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट डेज जून 2021 के पूरे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो क्विकली रिवाइज करेंगे, बट उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद में मैं क्विकली सारे जो हमारे डेज हैं ये रिवाइज कर देता हूँ। ओके, सो रिवाइज कर लेते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। सबसे पहले हमने देखा नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, और ये सेलिब्रेट किया गया आपका 28th जून को, तो आपको पता रहना चाहिए, इसे स्पेशली नोट करके रखो। उसके बाद में हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, चांसेस से पूछा जाए आपसे, सो 29th जून को सेलिब्रेट किया गया है इसे। उसके बाद में हमने देखा वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, इम्पॉर्टेंट है, 30 जून को ये सेलिब्रेट किया गया, सो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे नोट करके रखो। और 30 जून को एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ओके, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने की थी, तो आपको पता रहना चाहिए 30 जून के ये दो इम्पॉर्टेंट डेज है। उसके बाद में हमने देखा इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिनिज्म मैंने आपको बताया कलरलेसनेस को कहते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए ये डे सेलिब्रेट किया गया है 13 जून के दिन। ओके, 13th जून के दिन, सो नोट करके रखो इसे। उसके बाद में हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, तो ये सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को, 15th जून को। ओके, और उसके बाद में फाइनली हमने देखा वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी होता है जल सर्वेक्षण, सी रिवर लेक्स सिंपली इनका, तो ऐसे आप ध्यान में रखो। सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, सो ये सेलिब्रेट किया गया 21st जून को, 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। तो ये थे इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ जून 2021, और जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट डेज है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपसे पूछे जाए अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस में, जिसमें भी जीके और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, तो इतने डेज इनफ है एज़ फार एज़ जून 2021 मंथ इज़ कंसर्न। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे इम्पॉर्टेंट डेज आपने नोट कर लिए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप सिंपली व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो अपने स्टडी ग्रुप में, सो दैट मैक्सिमम रीच हो जाए वीडियो की, और जो आपके फ्रेंड्स हैं अदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, उसके बाद में आप रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो वोकैब कैसल पर, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ DM करके मुझे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एग्ज़ाम रिलेटेड, मैं डेफिनेटली उनका
रिप्लाई करूँगा। ओके, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर दो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम कैसल, इसे साथ ही साथ बेल आइकॉन भी हिट कर दो सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, बिकॉज एवरेज में मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। ओके, और एग्ज़ाम्स भी पास में हैं तो कुछ ना कुछ आपको न्यू लर्निंग मिले, ये मेरा एम होता है। तो आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो सो दैट आप कोई भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी जो जीके कैप्सूल की जो सीरीज़ है, जनरल अवेयरनेस कैप्सूल की जो सीरीज़ है, ये चलते रहेगी। सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।